देख सकते हैं दोस्तों, ये लिथियम की बैटरी है और हम इसे चार्ज कर रहे हैं। एक चार्जर है, ये खाली चार्जर, ये पुराना चार्जर है। अगर आपके पास कोई नया हो या पुराना हो, वेस्ट चार्जर हो, पर उसके अंदर वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं पुराना चार्जर है, आपको देख सकते हैं, और ये जल भी रहा है, ये बैटरी लग रखा है और ये जल रहा है, मतलब ये चार्ज हो गया है। देख सकते हैं ये चार्ज हो गया है। अब इसके वोल्टेज दिखाता हूँ आपको, आपको शायद से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये 5 से 7 वोल्ट DC है और 800 MVA है, देख सकते हैं। देखते हैं 504 वोल्ट आउटपुट DC है। ठीक है, DC है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए अभी भी लाइट जल रही है इतनी देर तक, देख सकते हैं कितनी लाइट तक लाइट जल रही है। और ये है बैटरी, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है बैटरी है, ये मोबाइल की है, और जो टेलीफोन जो आता है पुराना टेलीफोन, उसमें से निकाली गई है। ये मेरे पापा ने दिया था कि ये बैटरी देख लेना कि कैसी है, ख़राब है, क्योंकि उनका टेलीफोन बेकार हो गया था। आज के टाइम पे तो टेलीफोन चलता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने बैटरी निकाल के दी। तो मैंने बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, देखते जाइए क्या क्या बनाऊँगा इसका। ये देखिए लिथियम की बैटरी है, 3 बैटरी है, और ये मुश्किल से हमें 4 वोल्ट तक तो देगी देगी, 4 वोल्ट से ज़्यादा तो मुश्किल है, 4 वोल्ट तो देगी ये बैटरी। और जो एक लंबी बैटरी आती है सिंपल, वो 3 वोल्ट देती है। ठीक है, आप वो हर उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप हर उसको चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। अब इस अब आपको दिखाते हैं वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा वीडियो हटाना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये चार्जर ऑन है, और आपको चला के भी दिखलाएंगे, इसकी वोल्टेज चेक करवाएंगे आपको। देखिए आप इसकी वोल्टेज देखिए, पहले मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेते हैं, देख सकते हैं 20 पे सेट कर लिया। और हमारा दूसरा वायर, 2 वायर ले लिए हमने, एक को यहाँ लगाया, दिख रहा होगा आपको, लग रहा है परछाई आने के कारण नहीं दिख पा रहा, आपको सही से करके दिखाते हैं। अब देखिएगा, एक ठीक है, ये 2, देख सकते हैं 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आ रहा, और मैंने छू रखा भी है, देख सकते हैं आपको करंट नहीं लगेगा, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आएगा, देख सकते हैं। हटाया, फिर से टच कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और दोस्तों आपको लग रहा होगा ये मैंने उल्टा क्यों टच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आपको यहाँ से मैंने वायर जोड़ रखा है, इसलिए ये वायर ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए मैंने उल्टा टच किया था, क्योंकि ऊपर का नीचे आ गया, नीचे ऊपर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहे इसको ऐसे भी टच करोगे, पर यह है माइनस आएगा, दिखाता हूँ आपको टच करके। ये देखिए प्लस, देख सकते हैं लाल का लाल पे, ये देखिए, और ये जो वाइट है वाइट का ब्लैक पे, और देख सकते हैं यहाँ की साइड आपको माइनस दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो क्रॉप है वो टेढ़े लग रखे है, गलत लग रखे है, इसलिए मैं ऐसे आपको करके दिखाया था, देख सकते हैं। अब सही है, माइनस नहीं आ रहा, और इसे चार्ज करके दिखाते हैं, चार्ज जेबल बैटरी को लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया टेलीफोन की बैटरी, उसको लगा रहे हैं हम।
आप देख सकते हैं चालू है अभी भी। इसको लगा दिया, और ये दो दूसरी बैटरी है, इसको लगाते हैं। लगा के कुल 15 मिनट से 10 मिनट तक रख दीजिए, और अगर चार्ज ना हो तो ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है कि जिस हिसाब से बैटरी है उस हिसाब से लगाइए। जो बड़ी बैटरी होती है, जब तक हीट ना हो जाए, जब तक गर्म ना हो जाए, जब तक मैं निकालता नहीं हूँ, थोड़ा टाइम देखता हूँ, और वो हल्की हल्की हीट होने लगती है तो मैं निकाल देता हूँ। एकदम ज़्यादा भी हीट मत करना, कहीं एकदम बहुत देर तक रख दो, आधा घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसके कारण वो ब्लास्ट भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखना कि 15 मिनट या उससे ऊपर भी लग जाए कोई बात नहीं, 15 मिनट से ऊपर लग जाए, 20-5 मिनट कोई बात नहीं, 20-10-5 मिनट ऊपर लग जाए, पर वो हीट हो रही हो तो सही है। हीटिंग हो गई तो मतलब पूरी चार्ज हो गई है। और एक बार आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप ये भी देख सकते हैं कि हीटिंग हो रही है तो चार्ज है, और नहीं हो रही है तो समझिए चार्ज नहीं है अभी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको कुछ देर तक रखा है, और पहले भी थोड़ी देर रखा था, पहले तो हल्की सी थी। अब दिखाता हूँ, अगर आपके पास लाल कलर की लाइट वाली हो तो आप इसको जैसे लाइट वाली ये चार्ज हो, जैसे हमारे पास है लाल लाल जल रहा है, लाइट वाली चार्जर है हमारे पास, अगर लाल वाली है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इसको बंद भी करेंगे तो भी ये लाल दिखाएगी, और अगर हम इसको बंद करने पीछे भी लाल दिखाएगी, और चालू रहेगा तो भी लाल दिखाएगी। और जैसे बंद करेंगे जब बैटरी चार्ज हो जाएगी हमारी, तो वो लाल दिखाएगी ना, तो वैसे नहीं दिखाएगी आपको। आपको दिखा देते हैं, ये है, देख सकते हैं आप, हमारी बैटरी चार्ज है। देख सकते हैं चार्ज है हमारी बैटरी। इसे निकाल देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, और आप ऐसे करके आप सारी लिथियम की बैटरी जो 3 पॉइंट होती है या 4 पॉइंट होती है उसको चार्ज कर सकते हैं घर बैठे, और ना आपका इसमें 1 रुपये लगा, कुछ भी नहीं लगा। ठीक है दोस्तों।